हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कौस्टी चैनल। ये मेरे पास बिल्कुल नया दुपट्टा है। इसके साथ का सूट ख़राब हो चुका था और इस दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस लगी हुई थी। इस लेस को मैंने निकाल लिया है। इस दुपट्टे का रीयूज़ कैसे करें, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दुपट्टे से लेडी शर्ट की कटिंग करना बता रही हूँ। अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहें तो इस दुपट्टे से और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे की ड्रेस को भी हम बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनती है। ये दुपट्टा सिल्की है, इसलिए इसमें लाइनिंग लगाकर इस शर्ट को बना रही हूँ। लाइनिंग को वॉश करके प्रेस करके सेट कर लिया है। अब दुपट्टे को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। जितना हमें घेरा चाहिए उतना हमें पहले निशान लगा लेना है। 22 इंच घेरा चाहिए तो इसलिए 11 इंच पर आप निशान लगा लें और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए रखा है। ऐसे ही हमें 12.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं। दुपट्टे को डबल फोल्ड करके बराबर करके सेट करके रख लें और सबसे पहले नाप देखें। लंबाई 42 इंच, तीरा 14 इंच, छाती 42.5 इंच, कमर 37 इंच, हिप 22 इंच, घेरा 22 इंच, बाजू 16 इंच और मोरी इसकी 5.5 इंच। सबसे पहले डबल फोल्ड किए हुए दुपट्टे का आप नाप ले लें। देखिए इसकी लंबाई 44.5 इंच है। हमें कमीज़ की लंबाई 42 इंच चाहिए, इसका मतलब दुपट्टे की लेंथ जो है बिल्कुल ठीक है। अब लाइनिंग वाली शर्ट बना रहे हैं, इसलिए लाइनिंग को बराबर सेट करके रखना है और इसके ऊपर जो सिलवटे हैं उसे आप प्रेस से निकाल दें। लाइनिंग की लंबाई को नाप कर देखें, इसकी लंबाई 39.5 इंच है और कमीज़ की लंबाई 42 इंच है। कमीज़ की लंबाई से लाइनिंग को हमेशा 2-3 इंच छोटा रखना चाहिए। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखें। अब तीरे का निशान लगाएं। तीरा 14 इंच है, इसका हाफ हुआ 7 इंच। 7 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। नीचे वाली साइड भी 7 इंच पर निशान लगा लें। अब इसका शोल्डर जो है 8 इंच पर निशान लगाएं। आगे की तरफ भी हमें 8-8 इंच पर निशान लगा लेना है। अब फ्रंट साइड जो हम कटिंग देते हैं उसका भी निशान लगा लें। ये 6 इंच पर रखा है। फ्रंट साइड के गले का निशान 2.5 इंच पर और तिरछी का निशान 0.5 इंच पर लगाना है। और जो शोल्डर में हम गोलाई देते हैं यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएं। फ्रंट साइड वाली साइड से भी 1.5 इंच का निशान लगा लें। छाती 42.5 इंच है, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे यानी कि हमें चौथा हिस्सा निशान लगाना होता है, तो 22.5 इसका हाफ हुआ और 22.5 का हाफ हुआ 11.1 इंच। तो 11.1 इंच पर निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा 2 इंच पर निशान लगाना है। ये कटिंग का निशान है। अब यहाँ से हमें चाक का निशान रखना है। ये लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आप चाहें तो 14-14.5 भी रखा जाता है या 16 इंच पर भी लगाया जाता है। अब 22 इंच हिप है तो 11 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए आप 1.5 इंच पर निशान लगा लें। कमर का निशान 7 इंच पर रखना है। कमर 37 इंच है, इसका चौथा हिस्सा हुआ, इसमें 1.5 इंच प्लस करके 9.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग के लिए 2 इंच का निशान लगा लें। ये देखिए छाती का निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा 2 इंच रखा है। कमर का निशान लगाने के बाद कटिंग के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच रखा है और हिप का निशान लगाकर 1.5 इंच हमें तुरपाई के लिए रखा है। अब घेरा 22 इंच है तो 11 इंच पर निशान लगाया और एक्स्ट्रा 1.5 इंच का निशान लगाकर इन निशान को अब स्केल से मिला लेना है।
आर्म होल का हाफ पर निशान लगाकर बैक साइड और फ्रंट साइड की गोलाई के निशान लगा लेने हैं। अब लाइनिंग की कटिंग कर लें, जहां पर कटिंग के निशान लगाए हैं वहीं से ही कटिंग करनी है। लाइनिंग की कटिंग कर ली है और दुपट्टे को सेट करके रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को बराबर सेट कर लेना है। वैसे तो हम दोनों कपड़ों को और लाइनिंग को बराबर सेट करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अलग से लाइनिंग की कटिंग करने के बाद उसे कपड़े के ऊपर अगर हम कटिंग करें तो उस तरीके से की हुई कटिंग की सेटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हमें तीरे से पहले कटिंग करनी है और जिस तरीके से लाइनिंग की कटिंग की है हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। और जो ये कपड़ा दुपट्टे का एक्स्ट्रा बचा है यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से गोलाई की कटिंग देनी है, इसलिए आप लाइनिंग वाले कपड़े को अलग उठाएं और जो बीच वाला नीचे वाली साइड का शर्ट का कपड़ा है उसे भी निकाल लें। बैक साइड के गले की कटिंग करने के लिए शर्ट के कपड़े को और लाइनिंग के कपड़े को रखकर 2.5 इंच का निशान लगाएं और 6 इंच के गले की लंबाई है तो 6 इंच पर निशान लगाकर इन निशान को मिलाकर गोलाई में इसकी कटिंग कर लें। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए शर्ट के कपड़े को नीचे रखें और उसके ऊपर लाइनिंग को रखकर इसकी फ्रंट साइड की गोलाई की कटिंग को भी कर लें। फ्रंट साइड बैक साइड की शर्ट की कटिंग कर ली है, दुपट्टे के बचे हुए कपड़े से अब बाजू की कटिंग करनी है। कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लें और सबसे पहले बाजू का नाप लें। 19.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इस कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें नीचे बराबर करके सेट करना है क्योंकि हमें 10 इंच मुंडा चाहिए। 10 इंच पर रख कर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दें। अब बाजू की मोरी 5.5 इंच है, 5.5 इंच पर निशान लगाएं और एक्स्ट्रा 1.5 इंच का निशान लगाकर और मुंडे के नीचे वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगा लें और इन निशान को स्केल से मिला लेना है। और बाजू की गोलाई के लिए आप इस तरीके से निशान लगाएं और यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लें। जो हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा था वहाँ से भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि स्टिच करते समय आसानी रहे। बाजू की कटिंग कर ली है, बैक साइड और फ्रंट साइड की शर्ट की कटिंग भी कर ली है और इस लेस को हम चाक के ऊपर स्टिच करेंगे। दुपट्टे की शर्ट की कटिंग करने की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।